नमस्कार दोस्तों, ये हमारा स्कूल जो है बिरजा हाई स्कूल का न्यू एनेक्रोशन था, जो मॉडर्न स्कूल के प्लान में आता है उड़ीसा में। और यहाँ पर हम गए थे घूमने के लिए उसके इनाग्रेशन डे में, जहाँ देख सकते हैं कितना मॉडर्नाइज हो गया है वो। उसकी वाटरफॉल खूबसूरत सी, बहुत सारे खिलौना हमें देखने मिली। और ये बच्चे के लिए हैं, उनके लिए बहुत सारे जिराफ। और लाइटिंग भी बहुत ही खास कर थी, और मुझे सबसे अच्छी लगी जो माई मतलब बिरजा स्कूल था। और उसके बाद हम अंदर थोड़े से एंटर करने लगे, और ये स्कूल का अपना लोगो जो है था। उसके बाद बहुत सारे लाइटिंग, और उस पे पेड़ पे ऊपर भी बहुत सारी अच्छी सी लाइटिंग हुआ करती थी, जिसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षक लगे। और वहाँ पर मुझे दूर से एक दिखा गया कि बहुत सारे लोग बैठे हैं। जब मैं उसके पास गया तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, और उस लाइटिंग में वहाँ पर एक स्क्रीन भी लगा हुआ था। हाँ, पता नहीं, मैं ये एक बाहर के एरिया पे मैं गया हुआ था। उसके बाद मैं फिर से वहाँ पर आया जहाँ पर होर्डिंग लगी थी, शायद उसे इनाग्रेशन सेरेमनी था बाय आवर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी। और बहुत सारे लोग वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे उस शो के लिए वहाँ पर। हाँ, खासकर मैंने उसे जूम करके देखने की कोशिश की, कैसे बड़े उसी समय ही डांस करने लगे बहुत सारे लोग, और पटाखे भी फोड़ने लगे, क्योंकि उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। और मेरे पहुँचने के समय फिर बहुत सारे अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, बहुत सारे पटाखे फूटे। खेल सके, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जी अपनी भाषण दे रहे थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में, जहाँ पर उन्होंने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज बोल रहे थे। खेलौना की पार्क, जहाँ पर बहुत सारे पैरोट्स एंड अदर लाइटिंग थी, और एक मंदिर छोटी सी हुई थी जहाँ पर मैं उसके उसके अंदर गया, और वो काफ़ी खूबसूरत थी। उसके बाद मैंने कहा स्मार्ट क्लास पर, जहाँ पर क्लास का सेकंड था, जहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चार बेंच पड़ा था, बहुत ही अच्छी लाइटिंग उसकी थी, जिसको देखकर मैं खास प्रभावित हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ गया जहाँ पर एक लैब थी, और उसके अंदर थोड़ी सी मुझे देखने को मिली। उसके बाद ये बच्चे खाने पीने की जगह थी, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ हुआ करता था। उसके बाद मैं उससे चला गया, बहुत मूर्ति था जो कि बहुत भगवान शांति पीस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसकी लाइटिंग भी खास अट्रैक्टिव थी, जिसको देखकर सब मौज लगे। और यहाँ पर लोग आना जाना भी बहुत ज़्यादा लगा रहा था।